आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों पारा शिक्षक की दो बड़ी खबरें। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दो बड़ी खबरों में से देखिए, पहली खबर जो रहने वाली आप लोगों का नियमावली पर जो है, जल्द निर्णय नहीं हुआ तो जो है पारा शिक्षक करेंगे आंदोलन। दोस्तों ये आंदोलन चलते रहेगा दोस्तों, हमको जहाँ तक लग रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों हम ट्विटर पर जो है आप लोगों का अभियान चला सकते हैं दोस्तों, ट्विटर अभियान के माध्यम से जो है सरकार तक जो है आपकी बात को हम पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर ये सब तैयार हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो दोस्तों आप लोग तो अभी मतलब हालाँकि आंदोलन नहीं कर पाएंगे ऐसे खुले में, तो जैसे कि रांची जा कर के कहीं पर भी, लेकिन दोस्तों हम ट्विटर के माध्यम से जो है आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, अगर ये सपोर्ट कीजिएगा तो हम ज़रूर आपका एक दिन हम ट्विटर अभियान रख देंगे दोस्तों, और जिसमें से आप लोगों को सभी को ट्वीट करना है लेकिन दोस्तों, ठीक है, 65,000 पारा शिक्षकों को, आप लोगों को 65,000 पारा शिक्षकों को ट्वीट करना है, और ट्वीट के माध्यम से ही दोस्तों आपकी बात जो है दोस्तों सरकार तक पहुँचाई जाएगी। साथ में जो है दोस्तों हो सकती है आपकी बात को जो है सरकार सुन ले, जैसे कि दोस्तों कुछ दिन पहले ही ट्विटर में अभियान रोजगार दो योजना का दोस्तों जो चल रहा था ट्विटर अभियान, दोस्तों सरकार तक बातें पहुंची। उसी तरह दोस्तों ट्रेंडिंग होना चाहिए तभी आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचेगी। तो दोस्तों बहुत से इस वीडियो को दोस्तों तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी पारा शिक्षकों को हमारी बात पहुँच सके, ताकि आपके हम सपोर्ट कर सकें। दोस्तों आज की न्यूज़ की हम लोग बात करेंगे तो पहला न्यूज़ जो रहने वाला है, देखिए नियमावली पर जो है जल्द निर्णय नहीं हुआ तो पारा शिक्षक करेंगे आंदोलन। साथ ही दोस्तों दूसरा न्यूज़ हम आपको बताएंगे, शिक्षा परियोजना ने 30 तक जो है परिशिक्षण की जानकारी मांगी है। ये दोनों न्यूज़ हम एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। देखिए पहला जो है, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। मोर्चा ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, नियमावली पर जल्द अंतिम निर्णय नहीं लिया गया तो पारा शिक्षक आंदोलन करेंगे। इसे कोरोना काल में दोस्तों आप लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे जहाँ तक हमको लग रहा है, अगर यदि आप सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हम ट्विटर अभियान चलाएँगे दोस्तों, आपकी बात सरकार तक जरूर पहुँचाई जाएगी। पिछले 1.5 वर्षों से नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है परंतु अब तक जो है इसे पूरी नहीं किया जा सका है। मोर्चा के संजय दुबे विनोद बिहारी महतो ने कहा कि नियमावली नहीं होने के कारण पारा शिक्षक के जो है निधन पर उनके आश्रितों को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से राज्य के 50 से अधिक पारा शिक्षकों का निधन हुआ परंतु परिजनों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर सेवा शर्त नियमावली पर सरकार जल्द निर्णय नहीं लिया जाता है तो पारा शिक्षक आंदोलन करने का बाध्य होंगे। देखिए दोस्तों ऑनलाइन अगर यदि आप करते हैं दोस्तों ट्विटर अभियान करते हैं तो दोस्तों आजकल जानते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन ही ज़्यादा जल्दी आपका बात जो है पहुँचाया जाएगा। तो ज़रूर दोस्तों हो सके ट्विटर पर हिस्सा लीजिए दोस्तों, ये ज़रूरी है। देखिए दोस्तों आगे है कि कल्याण कोष का भी जो है नहीं किया गया है गठन। देखिए मोर्चा ने कहा कि पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का भी गठन नहीं हो पाया है। कल्याण कोष के कुछ प्रावधानों में मोर्चा की ओर से बदलाव के सुझाव दिया गया था, इसके बाद भी आगे की प्रक्रिया जो है अब तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, हमेशा सरकार वादा करते हैं लेकिन वादा वैसे कुछ करते नहीं है, इसलिए दोस्तों ऑनलाइन ट्विटर अभियान जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह बात जो है पूरा दुनिया तक पहुंचती है दोस्तों, ठीक है, इसलिए दोस्तों ज़रूरी है यह चीज़। शिक्षा परियोजना ने 30 तक परिशिक्षण की जानकारी मांगी है। देखिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों के पारा शिक्षक के परिशिक्षण की जानकारी जो है मांगी है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक डॉक्टर शैलेश चौरसिया ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है और 30 जून तक जो है पारा शिक्षकों के परिशिक्षण की जानकारी देने को कहा गया है। पत्र में कहा गया कि परियोजनों द्वारा पूर्व में भी पारा शिक्षक के परिशिक्षण से संबंधित जानकारी मांगी गई थी और पारा शिक्षक जो है परिशिक्षण को लेकर NIOS द्वारा परीक्षा ली गई थी। NIOS द्वारा जारी रिजल्ट में 2445 पारा शिक्षकों का रिजल्ट जो है NSE नॉट क्लियर श्रेणी में रखा गया था और पारा शिक्षक द्वारा जानकारी उपलब्ध कराए जाने के बाद इनमें से जो है काफ़ी संख्या में शिक्षक का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया। देखिए जिन शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया गया उनकी जानकारी परियोजना को नहीं दी गई, अब तक जो है मात्र 880 पारा शिक्षकों का रिजल्ट जानकारी दी गई है। तो ये था दोस्तों पूरा न्यूज़। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हम दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर ट्विटर में हिस्सा लीजिए दोस्तों, आप हमको कमेंट कीजिएगा कि ट्विटर में
हिस्सा लेना है तो सपोर्ट लिखिएगा दोस्तों, ठीक है, या तो ऐसे लिखिएगा दोस्तों, तो हम ज़रूर इसका व्यवस्था करेंगे दोस्तों और आपकी बातें ज़रूर सरकार तक पहुँचाई जाएगी। धन्यवाद।